मैं प्रतापगढ़ का माहौल क्या है भाई? मैं अपना माहौल बता सकता हूँ। अच्छा, क्या लगता है आपको माहौल? संगम लाल होता हार गया। हारने के कारण कोई कोई भी नेता हो वो जनप्रतिनिधि है। जनप्रतिनिधि का मतलब है जनता के बीच में आना चाहिए, उसके सुख में आइए ना आइए, सुख में तो कम से कम आते हैं नहीं आते हैं? नहीं आते भैया। क्या लगता है भैया, क्या माहौल है? माहौल तो यही गठबंधन का है भाई साहब। गठबंधन ज्यादा है। क्या वजह है? वजह होगा महंगाई, बेरोजगारी, यही सब है। जनता परेशान है। हाँ, जनता परेशान है भैया। चुनाव का माहौल का है बात करेंगे? अच्छा, वही पूछे ना हम। क्या लगता है भैया प्रतापगढ़ का चुनाव माहौल? आगे बताइए। बाहर से भैया प्रतापगढ़ का चुनावी माहौल क्या है? अरे भैया चुनावी माहौल क्या है प्रतापगढ़ का? किसकी संभावना है यहाँ? भाजपा कोई कारण? भाजपा जीत रहा है, भाजपा बहुत काम की है। भाजपा ने काम किया तो और केंद्र में? केंद्र में कौन आएगा? केंद्र में अखिलेश साहब आएगा। मतलब नहीं, आप संगम लाल गुप्ता का यहाँ माहौल बता रहे हो, केंद्र में अखिलेश आएंगे, प्रधानमंत्री अखिलेश बनेंगे? ये चुनाव पे चर्चा कर लीजिए। क्या माहौल का है चुनाव का? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं दादा, नहीं बोलना तो मत बोलिए। अच्छा अच्छा ठीक है, कहाँ लग रहा है प्रतापगढ़ का माहौल दादा? दादा हमका तो कोई माहौल है नहीं दादा, हम लोग से आए, हमारा मतदान हो चुका, हमने वोट नहीं डाली। हाथ खाली हमारे, देख लीजिए लखनऊ में मतदान हो गया है, क्यों नहीं दे? नोटा का प्रभाव नहीं पड़ता है। हम दोनों प्रत्याशी नाराज थे, दोनों प्रत्याशी हम बोला हम वोट आई है। हाँ, क्या संभावना है वहाँ? 2 महीने बाद रिचार्ज हो जिंदे, मतलब 1 साल और रिचार्ज करवा दें वोट देवा। जितना लोन लिया था वोट देंगे? अरे लोन लिया के नहीं चाहिए भैया। प्रतापगढ़ के क्या माहौल है, क्या लगा काम करने? भैया प्रतापगढ़ का चुनाव माहौल क्या है? अरे दिख नहीं रहा, आज रहने दीजिए, यहाँ दिख नहीं। भैया प्रतापगढ़ का माहौल क्या है? प्रतापगढ़ का माहौल एक तरफा है, समाजवादी पार्टी का कारण है, कारण है महंगाई है, बेरोजगारी है। अच्छा, राजा भैया के उधर जाने की खबर है, तो क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? किधर जाएंगे? समाजवादी के तरफ जाने का आसार लग रहे हैं। हाँ, राजा भैया का तो क्या प्रभाव पड़ेगा प्रतापगढ़? नहीं नहीं, प्रभाव पड़ेगा, राजा भैया का अच्छा खासा प्रभाव है और प्रभावित हो सकेंगे। क्या लगता है, क्या माहौल है? क्या माहौल है भैया? अच्छा, गठबंधन कोई कारण? महंगाई है, भ्रष्टाचार है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। अच्छा, राजा भैया के जाने से प्रभाव पड़ेगा? जी बिल्कुल पड़ेगा, तो खुद काहे नहीं मंत्री बन के बैठ जाते, खुद काहे नहीं जीत लेते चुनाव अगर इतना ही प्रभाव है? इच्छा है इनके बारे में आप तो बोलेंगे नहीं। क्या लगता है इस बार, क्या लगता है इस बार की संभावना है? संभावना तो पता नहीं, प्रतापगढ़ की कोई कोई माहौल नहीं बता सकते क्या है। संगलाल गुप्ता है बीजेपी, किसी को नहीं बता सकते भाई, कोई संभावना नहीं, कोई संभावना नहीं बता सकते। लोकल है भी आप लोग प्रतापगढ़ से? चुनाव के बारे में पूछिए, क्या संभावना है प्रतापगढ़ में?
प्रतापगढ़ में चुनाव रूपी माहौल क्या है? चुनाव भैया एसपी पटेल जी नहीं, इस समय चुनाव का आखिरी प्रचार का आखिरी दिन है यार। समाजवादी पार्टी या बीजेपी? समाजवादी पार्टी, समाजवादी गठबंधन, यही चल रहा है भाई। गठबंधन? हाँ गठबंधन। की क्या संभावना है? समाजवादी पार्टी। समाजवादी बहुत अच्छी वोट दी पटेल भी वोट दे देगी तो जो है संभावना है। मतलब पूरा दारोमदार पटेल पे है? पटेल पे। इसलिए पटेल के खेल खेला गया। पटेल पटेल क्या लगता है दादा आप? हम लोग तो दे ही रहे हैं, सब लोग सामने जो देखे भाई अपना। नहीं हर किसी के राय अलग भी हो सकती है ना? नहीं नहीं सब एक ही राय है। इतना मारा गया मुसलमान के, इनका भाजपा में देंगे नहीं है, इतना मार गया है। अरे बहुत देवे करिए, इनका भाजपा के खिलाफ देंगे, बाकी पटेल दे दिए तब जीते। ऐसा तो नहीं है कि हर मुसलमान भाजपा के खिलाफ या हर आप पटेल भी किसी के समर्थन? अरे आपका प्रधानमंत्री मुसलमान खिलाफ बोलता है, मुसलमान कैसे उसको करेगा? अब उनकी तो राजनीति हिंदू मुस्लिम पे चलती है, हिंदू मुस्लिम फैक्टर पर राजनीति कर रहे हैं। उनकी तो राजनीति है, उनकी क्या बात की जाए। दादा क्या माहौल है प्रतापगढ़ का? लोकल है प्रतापगढ़ कोई दिक्कत नहीं है ना वही तो हम बच्चे क्या माहौल है भैया प्रतापगढ़ का? माहौल सबसे आगे चल रही है, साइकिल चलेगी यहाँ पर। आप कार्यकर्ता हो या फिर रैली वाले में गए? हम रैली वाले में भी हैं, कार्यकर्ता में गए। इस समय साइकिल चल रही है, अगर ईवीएम मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। नहीं ईवीएम को दोष क्या देते हो? कहाँ जीत गए तो ईवीएम अच्छी है, हार गए नहीं, नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि अगर इस बार कोई दोष नहीं हुआ ईवीएम हटाओ, साइकिल को कोई हरा नहीं सकता, मेरा चैलेंज है। ईवीएम हटाओ देश बचाओ। हाँ सुप्रीम कोर्ट हटा सकता, पब्लिक क्या हटा सकती है? पब्लिक सब हटा सकती है, ईवीएम हटाओ देश बचाओ। नहीं क्या लगता है यहाँ संगम लाल गुप्ता या फिर संगम लाल गुप्ता कहीं नाम ही नहीं है? तो आपका कौन प्रत्याशी जीत रहा है? प्रत्याशी निशान नहीं है संगम लाल गुप्ता के, माने जब हो जाएगी इस बार पटेल जी जीत जाएंगे। हाँ बिल्कुल माहौल है। अरे राजा भैया के आने का क्या प्रभाव पड़ा? अरे बहुत प्रभाव पड़ा, संगम लाल गुप्ता के माने जब हो जाएगी इस बार। सही बात है, चैलेंज है, जीतेगा तो जीतेगा। ठीक है अब आओ हटो।